एक नोट अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस पजल के अंदर 500 का नोट मैंने डाल दिया। ओ भाई फाइनली आ चुके हैं एक और अनबॉक्सिंग के साथ, ट्रेजर चेस्ट क्यूब पजल जो भी है मुझे नहीं पता यार, इसको खोल के निकालते हैं। और अभी तक मैंने इसको नहीं खो, भाई यूशिन पैकेजिंग यूशिन की है, मतलब ये पजल यूशिन की तरफ से है और यूशिन से हमारी पुरानी मोहब्बतें हैं। यूशिन लिटिल मैजिक अपना पुराना दोस्त है, बहुत मेरा ख्याल से एक साल मेरा वो क्यूब मेन रहा था। यूशिन केविन हेज को बनाया गया भाई, ओ वही है वही है भाई, एक खजाना है, खजाना है भाई, खजाना, ट्रेजर चेस्ट क्यूब, पता नहीं इसको इसको क्या कहते हैं यार, ऐसे ही कोई नाम है। और यार ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है यार, मतलब अगर मैं नॉर्मल साइज़ के रूबिक्स क्यूब से कम, भाई अच्छा ये नॉर्मल नहीं है, मजाक कर रहा था। अगर तुम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन नॉर्मल साइज़ के रूबिक्स क्यूब से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी वो है ना बड़ा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका मैकेनिज़म बनाना इतना आसान नहीं ना होगा। तो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर क्या है, ऐसा क्या है इसमें जो इसकी इतनी हाइप है यार। और आई थिंक हमें शीट से ऐसे ही बाहर निकाल लेना चाहिए। यार मुझे क्यों लग रहा है कि ये बहुत ल्यूबी है यार, मेरे पास में एक कपड़ा पड़ा हुआ है उससे इसको साफ करते हैं, बहुत ल्यूब से भरा हुआ और ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही बिल्कुल भी। यार ये क्या था, कोई मच्छर था शायद, ओहो पता नहीं ये कब से पैक था। इसके कलर्स भी यूशिन लिटिल मैजिक की याद करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, नॉन मैग्नेटिक वाला यार। ओए होए 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 ओए होए होए भाई क्या बात है। अच्छा जी हम फर्स्ट टर्न्स करके देखते हैं इसके। हाँ ये क्या, ये कब हुआ, इसका एक कॉर्नर पीस क्यों खुला हुआ थोड़ा सा। अच्छा, इसको ट्रेजर चेस्ट क्यूब या पजल या जो भी है कहने की क्या वजह, मैं वो भी तुम लोगों को बता देता हूँ, वीडियो में आगे जाके बताता हूँ। इसके अंदर हम कुछ भी छुपा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस पर एक सॉल्व करके देखना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लगे यार ये क्या है। यार ये मैग्नेटिक होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम इस पर एक सॉल्व स्टार्ट करते हैं। स्क्रैम्बल क्यों इतना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बुरा आया, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है ब्रो क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमारे साथ ही हमेशा क्यों होता है। फिफ्टीन पॉइंट थ्री, ठीक है। और अब इसका सबसे ज़रूरी पार्ट, कुछ ऐसे ओपन होना, हो गया। इसके अंदर एक पूरी, क्या है ये यार, ये कैसे और कैसे ये मैकेनिज्म बनाया गया है। अच्छा इसके साइडों पे ये मूव करता है, मतलब ल्यूब इसके साइड पे अगर डाल देंगे ना तो ये स्मूथ हो जाएगा। क्या हम इसके एच पीस को वैसे ही नहीं निकाल सकते। यार ये क्या पजल है, इसके अंदर मेरे पास एक नोट पड़ा हुआ है यार, एक नोट अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस पजल के अंदर 500 का नोट मैंने डाल दिया। ओ भाई यार मैंने गलती से यहाँ से इसको पकड़ लिया, मतलब मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और इसको अब लगाना कैसे हमें यहाँ से इसको, हाँ ठीक है, शुक्र है ज़्यादा मसला नहीं हुआ। और ये यहाँ से भाई ये क्या हो रहा है, सब कुछ ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। यार यहाँ पे हमारी ज़िंदगी मसलों से क्यों नहीं निकल रही, जब देखो कोई ना कोई ऐसा मसला हमारी ज़िंदगी में पड़े ही होता। आ चलो एक तो गया और ये लास्ट वाला, अच्छा भला यार नोट डालने लगा था मैं, कहा चलो थोड़ा माहौल बनेगा यार, अपना ही माहौल बन गया। अच्छा और अब इसको क्या हम बंद कर देंगे, कैसे ये वापस कैसे आएगा,
भाई ये कैसे ठीक होगा? इसको क्या टाइट करना है? मैं यार टाइट नहीं करना, ये वैसे ठीक होना चाहिए यार कहीं ना कहीं से। यार ये क्या है? ओए इसके साथ एक वो मिला था, सोचा नहीं था जिंदगी में कभी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ ये तो इसको सॉल्व करना सिखाया हुआ भाई। और भाई इसके ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं है कि इसको खोलना बंद करना कैसे है। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है यार। बस भाई मैं आया 2 मिनट में। भाई एक दो शॉर्ट वीडियोस देखकर आ रहा हूं, वो कुछ ऐसा। हाँ हाँ वो ये काम करता है, हो गया। एक सेकंड मैं यार इसको अभी समझना चाहता हूँ मजीद। ये खुल गया, अंदर हमने 500 का नोट डाल दिया, ये हम बंद कर रहे हैं और यहाँ से वो खींच रहा था बंदा या बच्चा जो भी था वो। ठीक है, मतलब हमने इनको बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये स्क्रैम्बल्ड हो, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमने इसमें चीज़ को छुपाना है, तो क्या ये ये नहीं खुल रहा भाई, ये नहीं खुल रहा। मतलब ज़रूरी है ये कि ये सॉल्व होगा तभी ये खुलेगा। और ओए और अब दोबारा, वाह 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 वाह, और अब इसको दोबारा बंद करते हैं इस साइड से। हाँ ठीक है, मुझे कुछ कुछ समझ। अब मैं एक चीज और टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक आखिरी चीज। मैं सिर्फ वाइट वाला फेस सॉल्व करके देखना चाहता हूँ कि ये खुलता है कि नहीं। यार मुझे आदत पड़ी हुई है F12 की, मैं F12 से सॉल्व कर दिया, लेकिन चलो नहीं मतलब पूरा नहीं, फर्स्ट लेयर ही सॉल्व। भाई ये खाली वाइट वाला फेस करने से भी खुल रहा है। अच्छा अब मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मैं वाइट वाली लेयर नहीं, वाइट वाला खाली फेस बनाऊँ, यानी तुम लोग शायद मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, और मतलब ओहो मतलब खाली फाइज वाइट वाला मैंने फेस बनाया, लेयर नहीं सॉल्व, भाई तब भी खुल रहा है। मतलब ये खोलने के लिए इन शॉर्ट्स हमें सिर्फ वाइट वाला फेस सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर वाइट वाला फेस सॉल्व नहीं होगा तो ये कभी नहीं खुलेगा। और हम ओ यार एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मेरी जहन में आई है, एक सेकंड मुझे ये कैमरा उतारना पड़ेगा उसके लिए। भाई ये क्यूब है ब्रो, अगर तू इसको सॉल्व कर ले और इसके अंदर 500 रुपये है वो निकाल ले तो तेरा। इसके अंदर 500, और ये सॉल्व करके नहीं निकलना, इसके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है भाई, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे।